वॉइस ई लर्निंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। इंग्लिश कोर्स के अंतर्गत आज हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को थोड़े विस्तार से और थोड़े सुगम तरीके से सीखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है अंग्रेजी में 24 होती है, तो आज हम 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को अलग अलग ढंग से सीखेंगे। सबसे पहला नंबर 1 बी साउंड, हिंदी में इसको हम बोलेंगे ब। बी साउंड हिंदी में इसको बोलेंगे ब। जैसे हमारे अल्फाबेट चलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उन्हीं क्रम को रखते हुए हम बहुत ही सरलतम ढंग से और बहुत ही सुगम ढंग से जो है कॉन्सोनेंट साउंड सीखेंगे। तो पहली कॉन्सोनेंट साउंड है आपके ब ब ब। हम इस कॉन्सोनेंट साउंड चार्ट के अंदर हम ब सीखते हैं ब ब। इसमें हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक बात यह है कि इसका प्लेस क्या है, बोलने का प्लेस क्या है, ब ब दोनों होठ जो है इनका प्लेस है, और दूसरा किस तरह से इसको हम बोलते हैं। पहले मुंह के अंदर हवा भरते हैं और फिर एकदम से प्लोसिव ढंग से इसको बाहर छोड़ देते हैं, ब ब ब ब। इस तरह से ये ब साउंड है, हमारी पहली साउंड है। अब इसके एग्जाम्पल, ब किसी भी शब्द में शुरू में आए, बीच में आए, चाहे पीछे आए, इस तरह से दो चार एग्जाम्पल जो है वो सीखते हैं। सबसे पहले बी ए एस के ई टी बास्किट, उसके बाद बी ए जी बैग, उसके बाद में बी डबल ओ एम बूम। अब ये बी साउंड है वो शब्द के अंत में भी हो सकती है, जैसे सी ए बी कैब। तो इस तरह से ज्यादा जितने शब्द आप सीख सकते हैं जिसमें ब साउंड आती है वो शब्द लिखते रहिए, चाहे वो शुरू में आए चाहे पीछे आए, जैसे एफ ए बी टैब। नेक्स्ट बी ई एस टी बेस्ट, इस तरह से ये ब साउंड है, और इस ब साउंड में जितने अधिक से अधिक आप शब्द सीख सकते हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखिए और सीखने की कोशिश करिए। उसके बाद में नंबर 2, दूसरी जो साउंड है अल्फाबेटिक ढंग से, अगली साउंड है डी। ए बी सी, सी जो है वो क की साउंड एवं के में उसको सीखेंगे। अगली साउंड है ए बी सी डी डी डी। जो साउंड है इसके अंदर जो है हम ड ड ड की तरह हम बोलते हैं, ड ड। जब आप इसको बोलते हैं तो कहाँ से इसको बोलते हैं, कौन से प्लेस से बोलते हैं और कैसे किस मैनर से बोलते हैं, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए इसको बोलना भी आपको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ड ड ड बोलना सीखते हैं, उसके बाद इसके कुछ दो चार एग्जाम्पल सीखते हैं। डी ई एस के डेस्क, डी ओ जी डॉग। अब डी पीछे भी हम ले सकते हैं, जी ओ डी गॉड, एफ आर ए यू डी फ्रॉड। ऐसे जो है आप डी आगे आए या चाहे डी शब्द के पीछे आए, डी साउंड के जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द है वो सीखने की कोशिश करिए, और अंत में
अंत में जो है वो इसका कुछ अपवाद वाले शब्द होते हैं, उनको भी सीखने की कोशिश करिए। अपवाद के अंदर हम यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं EDUCATION। अब यहाँ पर जो है वो डी अक्षर होते हुए भी यहाँ साउंड डी का साउंड ड साउंड नहीं है, यहाँ डी का साउंड है ज। हम इस शब्द को बोलेंगे एजुकेशन। एजुकेशन, यहाँ ड को डी को ड नहीं बोलेंगे, डी को ज बोलेंगे। ऐसे इंग्लिश में उच्चारण करते समय कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों को, उन एक्सेप्शन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम तीसरा साउंड लेते हैं व्यंजन का, कॉन्सोनेंट का तीसरा साउंड। ABCDEE तो स्वर है, हम आगे वाला शब्द लेते हैं और वो लेते हैं एफ। एफ, एफ जो है ये इसकी ध्वनि होती है फ, फ, फ की ध्वनि होती है, एफ की फ। तो फ जहां भी एफ अक्षर आता है उसको फ फ की तरह बोलना चाहिए। और फ किस तरह से बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है और उसको बोलने का मैनर कौन सा है, तरीका कौन सा है, ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे ऊपर के जो दांत है वो नीचे के होठों के आके टच लगते हैं और इस तरह हम बोलते हैं फ फ फ, फ। इसको बोलेंगे फैन फैन फैन। ऐसे फ से जो है उच्चारण रखने वाले और भी कुछ शब्द यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे फर्स्ट फर्स्ट फ। अब इंग्लिश में फ जो है वो एफ के अलावा भी बनता है और वो शब्द है फ फिजिक्स, PHY फिजिक्स, PS, PS से भी फ बनता है। और एक एक फ जो है रफ, RUGH, RUGH, GS से भी रफ बनता है, फ बनता है TOUGH, टफ। GS से भी जो है फ बनता है GS से, और PS से फ बनता है, और F एफ से तो फ बनता ही है जनरली। तो एफ से फ बना, पी एस से फ बना, और जी एस से फ बना। ऐसे इंग्लिश में फ की ध्वनि है वो तीन प्रकार से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं, अगला कॉन्सोनेंट लेते हैं EF G G जी की जो ध्वनि है वो ग ग से आती है, ग ग ग इसकी जो है वो मेन ध्वनि है ग। जैसे गाइड, गुड, गेट, गाउट, अब कहीं कहीं पे ग की ध्वनि जो है वो ज की तरह भी हो सकती है, जैसे जिंजर, हिंदी में अर्थ होता है अदरक। अदरक जब हम बोलेंगे तो यहां पे अक्षर जी है पर ध्वनि इसके अंदर आपके ज की आएगी, जिंजर। उसी उसी तरह से जो है वो JUDGE, जज। ऐसे जी अक्षर जो है उससे ज की ध्वनि भी आती है। जब जी के आगे आई अक्षर होता है और जी के आगे ई अक्षर होता है तो इसका जो ध्वनि है वो ज्यादातर ज
जैसे बोली जाती है। इन ध्वनियों को ध्यान से पहचानना सीखिए और साथ साथ में इसका विभेद करना, अंतर करना भी सीखिए कि कहाँ पे किस शब्द की ध्वनि किस प्रकार की होती है। इसके बाद अगला हमारा जो है अल्फाबेटिक्स है एच। एच एच को ह, ह की तरह जो है वो बोला जाता है, जैसे हाउस, एच ओ यू एस ई हाउस, एच ओ आर एस ई हॉर्स, हॉर्स, एच आई एस हिज, एच आई एम हिम। ऐसे जहाँ भी एच अक्षर आता है तो ह, ह की ध्वनि करनी चाहिए। ह, ह जो है वो ग्लॉटिस है और गले से बोला जाता है, ये बात भी हमें अच्छी तरह से स्मरण रखनी चाहिए। एक इसमें अपवाद स्वरूप बात है, उसको भी हमें ध्यान से सीखना चाहिए। वो है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं अंग्रेजी में जिसमें पहला एच है वो साइलेंट रहता है, जैसे एच ओ एन ई एस टी, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट के स्थान पे इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। एच इसमें साइलेंट है, ये एक अपवाद स्वरूप बात है। यहाँ पे एच आ रहा है फिर भी हम इसको ह, ह नहीं बोलेंगे। एक और उदाहरण है इसका एच ओ यू आर, इसको हम बोलेंगे अवर, 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 इसको हम जो है वो बोलेंगे। तो अ, अ की ध्वनि आती है तो हम इसको कहेंगे कि एच यहाँ पे साइलेंट है, एच यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ये ह की मुख्य मुख्य ध्वनियाँ हैं। ऐसे और भी बहुत सारी ध्वनियाँ सीखिए और उनके उदाहरण इसको लिखने की कोशिश करिए, और इसमें जो साइलेंट शब्द है उसका उसका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, अवश्य जो है वो रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ध्वनि है वो है आपके ज साउंड, जे, जे साउंड यानी ज, ज साउंड। ज जो साउंड है इसका फोनेटिक सिंबल जो है वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार से होता है, और वो होता है डी और कर्सिव का जेड, डी जेड, इसको इसको हम बोलेंगे ज, ज। जब भी कोई अक्षर जे से शुरू होता है हम उसको इसी इसी ढंग से बोलते हैं, जैसे जे यू जी जग, जे ओ जी जॉग, जे डबल ई आर जियर। ऐसे ज, ज से, जे से जो भी शब्द बनता है उसमें उसमें ये जो है वो ध्वनि होती है। एक हमने ऊपर यहाँ सब सीखा था जे यू डी जी ई। अब हमने जो है वो इसका एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर यहाँ भी ज की ध्वनि है, यहाँ भी ज की ध्वनि है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ज जो है वो बनाएंगे डी और जेड, ज, और इन दोनों के बीच में मध्यम अ की ध्वनि है, मध्यम अ इस तरह से बनता है ज, और उसके पीछे फिर वापस डी जेड, इस तरह से ये जज, जज, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इस शब्द को हमने जो है वो फोनेटिक सिंबल्स के अंदर, सिंबल्स, ये ज का सिंबल है, ये अ का सिंबल है, और ये ज का सिंबल है, ऐसे ज, ज, ऐसे हमें जब हम सारे जो है वो व्यंजन की ध्वनियाँ सीख लेते हैं, सारी स्वर की ध्वनियाँ सीख लेते हैं, तो इनको आपस में मिला करके और जब हम शब्द की ध्वनि बनाते हैं उसको कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें पहले ज, ज की ध्वनि का ये सिंबल है डी जेड, फिर अ, और उसके बाद में फिर वापस ज, ज, ज,
ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सीखिए। और भी आगे हम कुछ शब्दों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे, पर पहले जो है वो हम इसके फोनेटिक सिंबल्स और इसकी ध्वनियाँ जो है उसको सीख लेते हैं। अब हम दूसरा जो है वो ज का साउंड सीखते हैं। ज के अंग्रेजी में तीन साउंड होते हैं, तीन सिंबल होते हैं, तीन एग्जाम्पल होते हैं विभिन्न प्रकार के। हम दूसरा पॉइंट सीखते हैं और वो है ऊपर। हमने क्या देखा है ऊपर वाले शब्द में कि जब जे आता है और जी आता है, जब जे और जी से ज बने तो ये चिन्ह हमेशा काम आता है। और अब ये वाला चिन्ह कहाँ काम आता है, ये वाला ज इसमें ज के ऊपर थोड़ा बिंदु है, बिंदु यानी थोड़ा जोर है इसके ऊपर, जोर दे करके हम इसको बोलेंगे। अब ये इसकी क्या पहचान है कि जब भी कोई शब्द जेड से शुरू होता है, जेड से शुरू होने वाले सारे शब्द इसके अंदर आएंगे। जो भी शब्द जो है वो जेड से जो है वो शुरू होता है वो इसके अंदर आएगा। जू है, जेस्ट है, झील है, जूम है, इस तरह के जो भी शब्द है जेड से शुरू होने वाले जो शब्द है वो सारे के सारे शब्द इसमें आते हैं। उसके अलावा और इसमें कौन से शब्द आते हैं, इसके अलावा इसमें एक और इसकी पहचान है, और वो पहचान है कि जब हम एस से ज बोलते हैं वो भी इसी में आएगा। ऐसे जब क्या कैस कहां पर बोलते हैं, जैसे विजडम, डब्ल्यू आई एस डी ओ एम, विजडम, या एस में जो ज की ध्वनि है विजडम, विजडम, तो इसके अंदर जो है वो ये विजडम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और छोटा सा ध्यान रखने का है कि जब हम कोई शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो जो पीछे एस शब्द आता है, एस अक्षर जो आता है, वो एस अक्षर को हम दो तरह से बोलते हैं, एक बोलते हैं ज और एक बोलते हैं स। जब कोई शब्द के पीछे के पी टी एफ आते हैं, के पी टी एफ ये चार अक्षर आते हैं, तो हम उसको स की तरह बोलते हैं, अदरवाइज हम उसको ज की तरह बोलते हैं। जैसे पी ई एन एस, पी ई एन एस, ये पी ई एन एस जो इसमें पीछे एस आया है इसको हम ज की तरह बोलेंगे, और इसका सही उच्चारण होगा आपके पेन्ज, पेन्ज। जब भी एस से पहले के पी टी एफ, के पी टी एफ आए तब तो उसको स बोलना चाहिए, जैसे सी ए टी एस कैट्स, सी ए पी एस कैप्स, के पी टी एफ आए तब इसको स बोलना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी शब्द है तो उसको ज बोलना चाहिए, जैसे बैग्स, गर्ल्स, पेन्स। अब हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी, उसके बाद एन, और उसके बाद में जेड, पेन्स। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा पेन्स, पेन्स, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पेन्स बोलेंगे तो हमारा उच्चारण भी गलत हो जाएगा। और जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बना के पीछे एस लिखेंगे तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए पेन्स इसको बोलेंगे, पेन यानी एक पेन, और पेन्स यानी बहुत सारे पेन। ऐसे ये जेड की जो ध्वनि है इस तीन तरह से आती है, एक तो सबसे पहले जेड, और एक बीच में एस, और एक सबसे लास्ट में एस, इस तरह से ये ज की ध्वनि है। अब हम लेते हैं ज की तीसरी ध्वनि, थर्ड ध्वनि। ये जो तीसरी ध्वनि है इसके अंदर श और ज श और
ज, इस तरह से इसकी ध्वनि आती है। और श और ज को जब हम एक स्वर में बोलते हैं, एक लय में बोलते हैं, तो करीब करीब झ झ जैसी आवाज आती है। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं कि कहाँ पे ये ध्वनि आएगी। ये ध्वनि उस समय आती है जब कोई शब्द के पीछे एस आई ओ एन आता है, एस आई ओ एन, और उसकी ध्वनि ज जैसे निकलती है, तो फिर ये ध्वनि आएगी। और इसमें ज जो है वो बहुत ही तीव्रता से हम बोलते हैं, जैसे इसको हम बोलेंगे विजन, विजन। इन तीनों ज में क्या फर्क है कि जब हम पहला ज बोलेंगे और यहां पे चार अंगुली रखेंगे तो कंपन बहुत कम आएगा, ये जब बोलेंगे तो कंपन उससे भी ज्यादा आएगा, और ये जब बोलेंगे और यहां पे हम चार अंगुली रखेंगे तो कंपन सबसे ज्यादा आएगा। ये इसके बोलने में फर्क है। इसको हम ऐसे बोलेंगे जग जग, इसमें थोड़ी ज्यादा जंकार आएगी जू जू, और इसमें इसमें और भी ज्यादा आएगी विजन विजन विजन। ऐसे जब भी एस आई ओ एन से ज की ध्वनि बनती है तो उसके अंदर ये चिन्ह काम आता है और ये ध्वनि जो है वो बोली जाती है। दूसरा ये कब बोला जाता है, जब कोई भी शब्द में पीछे की तरफ एस यू आर ई आते हैं, एस यू आर ई, इसको ए पी एल ई ए इसको बोलेंगे प्ले प्ले, और पीछे जर प्लेजर प्लेजर प्लेजर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, एम ई ए एस यू आर ई मेजर मेजर मेजर, इस तरह से जो है ये ज ज की जो है ये ध्वनि है। उस ज की ध्वनि सीखने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक ध्वनि और सीखते हैं, ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक के अक्षर हमारे कवर हो गए हैं। अब जे के बाद में अगला जो कॉन्सोनेंट है वो है आपके के जो कॉन्सोनेंट है इसको हम क क क इस तरह से जो है हम इसको बोलते हैं क। अब ध्यान दीजिए कि क जो है वो अंग्रेजी में चार प्रकार से बनता है, क चार प्रकार से बनता है। सबसे पहले क बनता है के से, के आई एन जी किंग, के आई एन जी किंग, क क क की जो है वो ध्वनि इसमें आ रही है। उसके बाद में सी ए टी, सी सी से भी क बनता है, सी ए टी कैट। और उसके बाद में क्वीन, क्यू यू डबल ई एन क्वीन, क बनता है। और चौथा और लास्ट का जो बनता है वो बनता है एस टी ओ एम ए सी एच, सी एच से भी क बनता है। सी एस से भी क बनता है और क्यू से क बनता है और सी से क बनता है और के से क बनता है, यानी अंग्रेजी में क जो है वो चार प्रकार से बनता है। जब भी हम क को शुरुआत में बोलते हैं, शब्द के शुरू में बोलते हैं, तो के साथ में हल्का सा एच की ध्वनि डालते हैं और उसको हम प्रोनंसिएशन की भाषा में, फोनेटिक की भाषा में उसको जो है हम वो एलोफोन कहते हैं। ये जो एलोफोन है, एलोफोन यानी क में हल्का सा एच डाल के एच की ध्वनि से हम इसको बोलते हैं। के एच की जो ध्वनि है, के एच, इसको हल्का सा हिंदी में ख की तरह बोलते हैं, ख हल्का सा ख। यदि आप इसको फोनेटिक ढंग से इन शब्दों को बोलना चाहते हैं, अच्छे ढंग से बोलना चाहते हैं, तो हल्का सा ख की ध्वनि से बोलिए। जैसे इसको हम बोलेंगे खिंग, के आई एन जी खिंग, सी ए टी खैट, क्यू यू डबल एन क्वीन क्वीन, यानी शुरू में जब ध्वनि होती है तब इसमें एच का साउंड आता है।
और पीछे है तो इसमें एच का साउंड बोलने की जरूरत नहीं, ख जैसे बोलने की जरूरत नहीं है, कई बोलेंगे स्टोमक स्टोमक, यानी पीछे क क क की ध्वनि आएगी। लेकिन शुरू में जो है जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर हल्का सा एच जोड़ते हुए के एच की ध्वनि होती है ख, हल्का सा इसको ख जो है वो बोलने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारा जो ध्वनि है वो बड़ी फोनेटिक हो जाती है और बहुत ही मेलोडियस हो जाती है, बहुत ही नेचुरल हो जाती है। इसलिए इस के साथ में हल्का सा एच जोड़ते हुए ख ख ख की तरह जो है वो इसको बोलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से ये 9 प्रकार की ध्वनियाँ जो है वो हमने सीखी है। अब हम आगे सीखते हैं 10वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, 10वीं ध्वनि जो है हम सीखते हैं, नंबर 10। के तक हमने सीख लिया है। अब अल्फाबेट में आगे का जो अक्षर है वो है एल, एल यानी ल, ल की ध्वनि, एल एल यानी ल, ल की जो है वो ध्वनि इसके अंदर हम सीखते हैं ल। ल के अंदर एल से बनने वाले जितने भी शब्द है वो अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करिए, जैसे एल आई जी एच टी, एल आई जी एच टी लाइट, एल ओ टी लॉट, एल ई टी लेट, एल आई एम ई लाइम, एल ओ एस टी लॉस्ट। ऐसे जो है ये तरह तरह के जो है एल से बनने वाले जितने अधिक से अधिक शब्द है उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमने चार्ट सीखा है कॉन्सोनेंट का, उसमें एल की ध्वनि कैसे आती है लेटरल, यानी जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जुबान कहाँ टच होती है, ल ल ल मसूड़े के आसपास में, और ल बोलते ही जो है जुबान की जो बाहर की टिप है वो तो ऊपर टच हो जाती है और दोनों साइड से हवा निकल जाती है, लेटरल, इसको हम लेटरल बोलते हैं। ये हमने टेंस चार्ट में सीख लिया है लेटरल, ये लेटरल एल है ल ल ल, लाइट लॉट लेट लाइम लॉस्ट। इस तरह से हम अपने को इन शब्दों को फोनेटिक को सीखते सीखते साथ में हमें अपने उच्चारण को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है पॉइंट आपके है अगला स्वर है, अगला अल्फाबेटिक क्रम में है एम और उसके बाद एन, उसके बाद वो स्वर इसको हटा देंगे, उसके बाद में पी, ऐसे क्रमशः ए से लगा के जेड तक जितनी भी मुख्य मुख्य ध्वनियां हैं करीब 24 ध्वनियां हमें सीखनी है। तो ये एम जो है इसका इसका उच्चारण है म म म म म के अंदर एग्जाम्पल लीजिए मैन माइंड मोस्ट मंकी, इस तरह से जितने अधिक से अधिक एम वाले अक्षर है वो हमें सीखने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। और म को हम कैसे बोलते हैं, लिप्स के द्वारा बोलते हैं म म, जब म बोलेंगे तो लिप्स दोनों टकराएंगे और लिप्स थोड़े से बाहर की तरफ निकलेंगे और इस तरह उच्चारण बहुत ही शुद्ध और सही निकलेगा म म। उसके बाद अगला बिंदु है और वो है हमारा एन, एन यानी न, न की साउंड, न की साउंड में पहला ही पहला हमारा उदाहरण है एन ओ, उसके बाद एन ओ एस ई,
उसके बाद एन आई एन ई, उसके बाद में एन ओ एन, एन आई एस ई, ऐसे ये एन एन से संबंधित जो है विभिन्न एग्जाम्पल्स है ये। अब इसको बोलते कैसे हैं, जब इसको बोलेंगे तो न जो है न न न होठों की सहायता से इसको भी हम बोलते हैं और बोलते हैं न न न। अब इन दोनों को जब हम मिला के बोलेंगे तो किस तरह से बोलते हैं, मिला करके बोलना सीखिए। इसको हम बोल लेते हैं नो मैन, नो मैन, नो मैन, नो माइंड, नो 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 नो। होठों की सहायता से, लिप्स की सहायता से, लेबियल की सहायता से हम इसको बोलते हैं, इस शब्द को बोलेंगे तो नोज नोज नोज। तो इनको लिप्स की सहायता से बोले जाते हैं, एम और एन, इन दोनों को हम लिप्स यानी लेबियल यानी होठों की सहायता से बोलते हैं। तो बोलने में भी हमारा उच्चारण बड़ा शुद्ध हो जाता है यदि हम इसको फोनेटिक्स को 24 वर्ड्स को ध्यान से जो है वो सीखते हैं। एम एन ओ पी पी, नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा है पी, इसको हम बोलेंगे प प प प, ये भी लेबियल है, इसको भी होठों की सहायता से बोलना पड़ता है प प प, जैसे पा 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 प। और पेस्ट और पेस्ट और प्योर प्योर, ऐसे पी पी से संबंधित जो है बहुत सारे एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लिखने की जो है वो कोशिश करिए। पेपर पेपर पेपर, पापा, ऐसे ऐसे जो है वो तरह तरह के ये जो है पी वाले अक्षर है उसको सीखने की कोशिश करिए। उसके बाद में पी के बाद में क्यू आता है, क्यू से क बन जाता है, इसलिए हमने उसका एग्जाम्पल क्वीन पहले सीख लिया है। अब हम यहाँ सीखेंगे अगला बिंदु और वो बिंदु है आपके र र र, र के एग्जाम्पल्स लिखिए। रिबन, राइट और डब्ल्यू आर ओ टी ई, डब्ल्यू आर ओ टी, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है और आगे उसमें र की ध्वनि आ रही है, तो ये भी र की ध्वनि से ही शब्द स्टार्ट होगा। ऐसे र से बनने वाले जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा शब्द है उसको लिखिए और उसको बोलना भी सीखना है, लिखने के साथ साथ में इनको बोलना भी सीखना है। अंग्रेजी में आर की जो साउंड है, जैसे कि हमने चार्ट में सीखा, इसकी साउंड थोड़ी सी एक अलग प्रकार की साउंड है। जैसे हम हिंदी में र बोलते हैं वैसे इंग्लिश में र नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में र बोलने में थोड़ा सा एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है, और वो बात क्या है कि जब भी हम र बोलते हैं तो र जो है वो फ्रिक्शन जो है वो है और कंटिन्यूएंट है। कंटिन्यूएंट यानी मुंह के अंदर हमारे जो है वो जुबान एक तरह से डांस करती है, जैसे छोटा बच्चा गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते समय उसके मुंह में जो जुबान होती है वो किस तरह डांस करती है, देखिए ड्र ड्र, वैसे जब इसको हम बोलेंगे तो फ्रिक्शन लेस कंटिन्यूस होना चाहिए। इसको बोलेंगे तो रिबन, इसको राइट, इसको राउट, इसको राउड, उसको राउज, और हल्का सा एक फ्रिक्शन लेस कंटिन्यूस हमारे मुंह में आना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए जैसे
जो हमारी जीभ है वो डांस कर रही है मुंह के अंदर, ऊपर नीचे जो है वो उसका डांसिंग मोशन हो रहा है। ये हमारा पॉइंट है। अब 14, अब हम आगे लिखते हैं 15। 15 में हम एस लेते हैं। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में एस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में एस तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एस केवल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उसको हम कहते हैं हिंदी में दंत्य स, और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं तालव्य स। एक एक दंत्य स और एक एक तालव्य स। जैसे एस आई पी और एस एच आई पी। जब हम इस स को बोलते हैं दैंत्य स डेंटल स, तो हमारी जो जुबान है वो दांतों के नीचे वाला जो हिस्सा है, जड़ है, वहां जाके लगती है और उसको हम ऐसे बोलते हैं स स स। और ये जो है तालू की तरफ जाएगी हमारी जुबान जब हम इसको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे शिप 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 शिप। इस तरह से जो है ये विभिन्न प्रकार के हमारे पॉइंट है। और हम सीखते हैं एस ए एम ई और यहाँ एस एच ए एम ई, इसको हम बोलेंगे सेम सेम, और इसको शेम शेम शेम। इस तरह से इनको बोलने में जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ता है कि किस तरह से ये शब्द जो है वो बोले जाते हैं। बोलने में भी हमें इसका पूरा पूरा ध्यान जो है वो रखना चाहिए। ऐसे जो है और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे एस आई जी एन साइन और एस एच आई एन ई शाइन। ये है श श और ऊपर से से से। इस तरह से जो है ये से दो तरह के होते हैं, एक श दंत्य और एक श तालव्य, और दोनों को बोलने में जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। उसके बाद में एस के बाद में अगला जो शब्द है, अगला जो हमारा अल्फाबेट है वो टी है, और उसको हम बोलते हैं ट ट की तरह बोलते हैं, जैसे टी डब्लू ओ टी डब्लू ओ टी आई एम ई टी ए बी एल ई टी आई जी एच टी। इस तरह से जो है ये ट ट की जो है वो ट जो है वो भी इंग्लिश में जब बोलते हैं तो एलोफोन की तरह बोलते हैं। एलोफोन में हमने पीछे क में सीखा था, वही सबसे इसमें भी ध्वनि आती है कि ट के साथ में जब एच जोड़ के हम बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलोफोन। तो जब हम एलोफोन की तरह इसको बोलते हैं तो इसका जो उच्चारण है वो बड़ा फोनेटिक हो जाता है, बड़ा मेलोडियस हो जाता है, बड़ा नेचुरल और नेटिव हो जाता है। तो हम इसके अंदर जो है टी एच जोड़ करके और बोलते हैं। जब टी में एच जोड़ते हैं तो उसकी आवाज है वो हल्की सी ठ ठ ठ की तरह निकलती है। जब हम टी डब्ल्यू ओ को बोलेंगे ठू 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 ठू, इसको जब बोलेंगे तो हमारी आवाज थोड़ी फोनेटिक हो जाएगी, थोड़ी सी जो है वो आवाज हमारी नेचुरल और नेटिव हो जाएगी, और हम इसको बोलेंगे ठू ठू। अब मान लिया हमें पांच तक गिनती बोलनी है तो हम ऐसे बोलेंगे गिनती को, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो टू। उसके बाद में टाइम टाइम, फिर टेबल टेबल, फिर टाइट टाइट। ऐसे जो है हमें तरह तरह के टी के जितने भी टी में आते हैं, चाहे टी शुरू में हो चाहे टी पीछे की साइड में हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें जो है वो सीखने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद में टी के बाद में टी के बाद में जो अक्ष अल्फाबेट आता है यू,
यू जो है वो व्यंजन नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। यू के बाद आता है वी, और वी के बाद आता है डब्लू। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, इनकी जो ध्वनि है वो व की तरह ध्वनि है, लेकिन दोनों को बोलने में बड़ा ही फर्क होता है। जब हम ये पहला बोलते हैं, जैसे हमने बोला, लिखा वी आई एन ई, और यहां लिखा हमने डब्लू आई एन ई, डब्लू आई एन ई। डब्लू आई एन ई, जब हम इस व को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इस व को कैसे बोलेंगे, उसको ध्यान से जो है वो सीखिए। जैसे जब हम वी के व को बोलते तो हमारे लिप्स थोड़े से स्प्रेड हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो है ऊपर के दांत आके टच होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, स्प्रेड लिप्स में बोलते हैं व, यानी वाइन वाइन। जब हम इस डब्ल्यू को बोलते हैं तो हमारा जो होठ है वो बिल्कुल गोल हो जाता है, और गोल होकर के लेबियल की तरह हम बोलते हैं वाइन वाइन वाइन। इसी तरह से VEST और WEST, इसको बोलेंगे वेस्ट वेस्ट वेस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ऐसे VAN, इसको बोलेंगे वैन वैन वैन, और WHEN, इसको जब बोलेंगे तो लिप्स को राउंड करते हुए बोलेंगे वैन वैन वैन। इस तरह से जो है इनके बोलने में दोनों, वी से वह बनता है, डब्ल्यू से वह बनता है, बोलने में क्या फर्क है उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना चाहिए, और ध्यान में रख के उसको बोलना चाहिए। इसके बाद में WXYZ, अब हम Z वाला उच्चारण पीछे सीख चुके हैं, और X का उच्चारण भी हमने क और स में सीख लिया है। अब हम सीखते हैं Y, Y जो अक्षर होता है, Y Y अक्षर उसको सीखते हैं, और Y जो अक्षर है उसका जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं तो वो इस तरह से होता है, जे की तरह होता है, और इसको हम ध्वनि जो निकालते हैं वो ऐसे निकलेगी, ध्वनि य की जो है वो ध्वनि निकलेगी यहाँ पे य। अब य के कुछ एग्जाम्पल लिखिए, YES यस, YET यट यट, और YESTERDAY yesterday, YOUNG young, ऐसे ये य। इसका जो फोनेटिक सिंबल जो है वो बड़ा विशेष प्रकार का है, उसको थोड़ा सा ध्यान से याद करना चाहिए। यहाँ जो ये य है, ये जो य है, इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक सिंबल जो है वो कैसा है, वो आपके जे जैसा है। जैसे हमारा ये शब्द है, और इसका हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना चाहें तो सबसे पहले य की ध्वनि, इसमें जे जैसा अक्षर आएगा, उसके बाद में अ, इसमें मध्यम टाइप का अ है। जब भी ओ यू से, ओ से यू से, ओ यू से यह बनता तो ऐसा चिन्ह आता य। और फिर एन और जी, इसको हम अभी 24 नंबर पे सीखेंगे इस ध्वनि को। इस ध्वनि को कहते हैं ng, इसमें क्या है, एन और जी दोनों ही शामिल है, और इसका जो चिन्ह है वो ऐसा है जैसे हाथी की सूंड होती है उस तरह का है। ये जो है यंग यंग, इस यंग का क्या है,
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, यानी इसका उच्चारण है वो हमने इंग्लिश में उच्चारण लिखा है, इंग्लिश में शब्द और इसका उच्चारण भी इंग्लिश के अंदर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इसका उच्चारण लिखा है। ऐसे जो है हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर उच्चारण लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न इसके भी पूछे जाते हैं, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसको भी हमें जो है वो सीखने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। इसके बाद हम आगे वाले पॉइंट सीखते हैं और वो पॉइंट है आपके 21। हमने 20 पॉइंट यहाँ सीख लिए हैं, अब हम जो है वो 21 21वां ध्वनि सीखते हैं। टोटल जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे पास में 24 ध्वनियाँ हैं, 4 ध्वनियाँ और शेष रह गई है, तो हम आगे वाली शेष ध्वनियों को सीखते हैं। अगली जो ध्वनि है वो है च, च की ध्वनि, च। च का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक जो सिंबल है वो थोड़ा विशेष प्रकार का है, एक तो टी और एक तालव्य श जैसी इसकी आकृति है और इसको हम बोलते हैं च, च। च के 2-4 एग्जाम्पल लिखिए, पहला है चेयर, चेयर CHAIR चेयर, उसके बाद में CHIN चिन, CHART चार्ट, और CHURCH चर्च, चर्च, चर्च। अभी जो चर्च शब्द हमने लिखा है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना सीखते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, कई एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे च, 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 और उसके बाद में इसका जो है वो हम सीखेंगे अ की ध्वनि, च, अ की ध्वनि, च, और उसके बाद वापस च। ये च आगे है, च पीछे और बीच में अ, सबसे बड़ा अ, अ, चर्च, 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 इस तरह से ये च की जो है वो ध्वनि है। उसके बाद में 22 में जो हमारा सिंबल है वो इस प्रकार से है, जैसे हम मैथमेटिक्स में कभी थीटा बनाते हैं, थीटा उस तरह का है, और इसको हम बोलते हैं थ, थ, थ के अंदर जो है वो कुछ एग्जाम्पल सीखिए, लिखिए थिन, थिन, उसके बाद में थॉट, 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 उसके बाद में थाई, 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 उसके बाद में थ्रू, 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 इस तरह ये थ, थ से बनने वाले विभिन्न शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा और वो है द, द साउंड, द जो साउंड है उसमें एक चिन्ह जो है इसका वो थोड़ा सा विशेष प्रकार का चिन्ह है, उसको थोड़ा सा ध्यान से हमें सीखना चाहिए, थोड़ा अच्छे ढंग से जो है वो सीखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा विशेष प्रकार का चिन्ह है, इसको ध्यान लगा के और सीखिए, अच्छी तरह से जो है वो सीखिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमारा द, द पॉइंट है, द, द, द में एग्जाम्पल लिखिए दिस, दैट,
दिस दैट दीज दोज दिस दैट दीज दोज और टी एच ई द ये द के उच्चारण है, इनको बड़े ध्यान से सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए। और सबसे लास्ट का 24 जो है वो आपके उच्चारण ऐसे है, ऐसे ये जो आप हिंदी में लिखा हुआ जो पॉइंट देख रहे हैं, जो अक्षर देख रहे हैं, ये ना तो ड है और ना ड है। ड है तो पीछे बिंदी नहीं लगेगी और ड है तो बिंदी नीचे लगेगी। एक विशेष प्रकार की ध्वनि है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये दो चीज़ों से बनती है, तो नेजल यानी नाक से और एक ग्लॉटिस यानी गले से जो है वो बनती है। ये जो ध्वनि है एक विशेष प्रकार की ध्वनि है, इसको हम बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से जो है वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये ध्वनि कब आती है, जब एन और जी दोनों साथ साथ आते हैं, जैसे एन जी किंग आर आई एन जी रिंग एस आई एन जी सिंग और एफ आई एन जी ई आर फिंगर इस तरह से ये हमारे चॉइस जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। और इससे पहले हमने 20 साउंड सीखे थे वॉवेल के, दोनों को मिला करके और टोटल जो है वो 44 की संख्या होती है। ये 44 जब हम सिंबल्स अच्छी तरह सीख जाते हैं, चिन्ह अच्छी तरह सीख जाते हैं, तो हम किसी भी जो है वो शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उसको सीखने का थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का कभी कभी एक या दो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम कब लिख सकते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम उस समय लिख सकते हैं, उसमें हमें मुख्यतः दो बातें ध्यान रखनी पड़ती है। नंबर एक, उस शब्द का सही उच्चारण क्या है और जब वो उच्चारण हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से फोनेटिक सिंबल काम आते हैं, कौन कौन से फोनेटिक सिंबल कॉन्सोनेंट के आते हैं और कौन कौन से फोनेटिक सिंबल है वो वॉवेल के आते हैं। इसमें हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं, कुछ बिंदु सीखते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारे पास BOSOM। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखो, यानी इसको फोनेटिक सिंबल्स की भाषा में लिखो। तो सबसे पहले इसका आपको सही उच्चारण आना चाहिए। इसका सही उच्चारण क्या है वो ध्यान से सीखना। इसका सही उच्चारण है बूजम बू में हम सबसे पहले लिखेंगे ब और उसके बाद में लिखेंगे बड़ा उ, बू बू, और उसके बाद में ऐसे ज बनता है, ऐसे ज बनता है तो ऐसा चिन्ह आएगा बू, और पीछे जम पीछे पीछे जब ज की आवाज आती है तो सबसे छोटा अ आता है और उल्टा ई की तरह आता है। ऐसे ये बूजम इसका सही उच्चारण है। यदि इसका आप गलत उच्चारण करेंगे बी ओ बो एसो सो और म बोसोम, तो बोसोम जब बोलेंगे तो हमारा उच्चारण गलत हो जाएगा, और उच्चारण गलत होता है तो फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी गलत हो जाता है। इसलिए ये जो है इसमें आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको शब्द का सही उच्चारण आना चाहिए।
जब उस शब्द का आपको सही उच्चारण आएगा तभी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख कर सकते हैं। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमें जो अक्षर लिखे जाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड दोनों के सिंबल्स अच्छी तरह से, ये 44 सिंबल अच्छी तरह याद होने चाहिए, तो आप जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आप इस शब्द को देखें तो बी क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये ऊ क्या है, ये वोवेल साउंड है, जेड जेड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, अ अ क्या है, वोवेल साउंड है, और म म क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और साउंड के हमने यहां पे क्या लिखे हैं, सिंबल्स लिखे हैं। हमारा ये टॉपिक है साउंड एंड सिंबल्स, यहाँ एक साउंड ध्यान से सीखनी पड़ती है और फिर उसके सिंबल्स लगा करके हमें काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के और इनको सीखने की कोशिश करिए और ध्यान लगाइए कि किस तरह से फोनेटिक सिंबल जो है वो हम स्वयं बना सकते हैं और उसको थोड़ा ध्यान दें तो उसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। अब ये CHAIR, इसका सही उच्चारण क्या है, इसका सही उच्चारण सीखिए, चेयर चेयर, पीछे र है उसको बोलना नहीं है, चेयर चेयर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे च, च का फोनेटिक सिंबल लिखेंगे, च का चिन्ह हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे ए अ ए अ ए अ चे अ चे अ, और र जो है वो साइलेंट है, इसको बोलते नहीं है, इसलिए इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर दीजिए और इस तरह से चे अ, पहले च और उसके बाद स्वर की जो ध्वनि है वो कैसी है, ए अ, च प्लस ए अ यानी चे अ चे अ, इसमें र जो है इसको साइलेंट रखना है, कोष्ठक में रखना है, यानी बोलते समय इसको नहीं बोलना है, चे अ चे अ। और कभी कभी जो है इसको लिखने के लिए आर नहीं लिखना चाहे तो इसके ऊपर एक सितारे की आकृति बना दीजिए, या तो सितारे की आकृति बनाई या आर कोष्टक में बनाई, दोनों में से एक तरह से हमें काम करना पड़ता है। तो परीक्षा में जो भी पॉइंट हो आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे या तो स्टार आ सकता है, स्टार का निशान आ सकता है, या यहाँ पे आर को कोष्टक में बंद जो है वो कर देते हैं। ऐसे ऐसे अपने दिमाग में तरह तरह के जो है वो शब्द सीखिए। एक शब्द जो हमने पीछे सीखा था उसको पुनः सीखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, रीट में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है। तो ये जो जज है, जज इसको हम कैसे लिखते हैं सीखिए, इसको लिखना, सबसे पहले ज, सबसे पहले ज का चिन्ह बनाइए, जे है उसे जब ज बनता है तो ऐसे डी और जेड की आकृति बनेगी। अब इस दोनों में जो स्वर का उच्चारण है, स्वर का उच्चारण है वो है अ की तरह, मध्यम अ, और उसके एंड में फिर वापस ज, ज ज जज ज ज जज। उसके बाद में एक शब्द हमने और सीखा था इसके अंदर, सी एच यू आर सी एच, इसका सीखिए, सबसे पहले है च और बीच में है अ, अ के ध्वनि और उसके बाद फिर वापस है च, चर्च चर्च चर्च। ऐसे कोई भी आप शब्द लीजिए और शब्द लेकर के और जैसा उसका उच्चारण है उसके अनुसार उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखने की कोशिश करिए। और इसमें जो चॉइस शब्द है, ये चॉइस चिन्ह है, ये काम आते हैं, चॉइस और उसकी स्वर की 20 ध्वनियाँ, तो टोटल 44 ध्वनियाँ हमारे इसमें काम आती है। ऐसे तरह तरह के जो है वो शब्द है। जैसे एक और शब्द लेते हैं KINDI, अब इसमें सबसे पहले आएगा के और उसके बाद आई की ध्वनि आएगी, ये आई, काई और उसके बाद में ने और उसके बाद में डे, काइंड, के से क, ये आई की ध्वनि है काई और फिर पीछे ने और डे, काइंड, ऐसे काइंड फाइंड माइंड सब एक ही तरह से जो ये बनते हैं। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से बनता है उसको थोड़ा ध्यान लगा के सीखिए।
अब इसके अंदर जो है वो हमने पीछे जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखे थे, किसके वॉवेल्स के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उसमें कभी कभी थोड़ी सी भिन्नता भी आ सकती है। भिन्नता जो है उसको सीखने की कोशिश करिए। पहला ही पहली भिन्नता जो है वो आती है, ये जो चिन्ह हमने सीखा है ये अ, अ का जो चिन्ह सीखा है, अभी अ का जो चिन्ह है, अ का जो चिन्ह है उसमें थोड़ी सी भिन्नता आ गई है, यानी ये भी सही है और इसके पास में हम एक और चिन्ह बनाते हैं वो भी सही है, पर फर्क क्या, ये थोड़ा सा पुराना चिन्ह है और ये थोड़ा नया चिन्ह है। ये भी अ है, ये भी अ है, सबसे छोटा अ, सबसे छोटा अ। इसमें इसमें जो नए चिन्ह में क्या किया, यहाँ पे छोटी सी एक आकृति बना दी है, बाकी उल्टा सी ये भी है, उल्टा सी ये भी है, यहाँ एक छोटी सी आकृति आ गई है। ऐसे कहीं कहीं बहुत कम ही ऐसे पॉइंट है जहाँ पे भिन्नता आती है, जहाँ भी भिन्नता आती है वो थोड़ा सा ध्यान से सीख लीजिए। जैसे एक भिन्नता आती है आपके इसमें, ये अ और उसके ऊपर जोर दे करके चिन्ह बनता है अ, अ। इसमें जो हमारा नया चिन्ह है वो इस तरह से है, तीन करके और उसके पीछे दो बिंदिया अ, ये थोड़ा पुराना, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी गलत कोई नहीं है, पर फर्क क्या है, ये जो अ है ये उल्टा ई करके अ ध्वनि बनाई है, और ये इस तरह से बनाई गई है। एक और पुरानी और नई ध्वनि में फर्क है कि जो ये यू है इस तरह से, ये जो ध्वनि है, इस तरह की जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि है, इसमें भी कभी कभी जो है थोड़ा सा अंतर जो है वो आ जाता है, इसमें दो तीन पॉइंट आ जाते हैं, एक तो ये पॉइंट है और एक जो है इस तरह आकृति आ जाती है, और एक कभी कभी ऐसी आकृति आ जाती है, और ये तीनों क्या है, ये आकृति, ये इसकी ध्वनि क्या है, इसकी सबसे छोटा अ, और ये सबसे बड़ा अ, और ये किसकी ध्वनि कैसी है, छोटा उ की तरह, छोटा उ, और बड़ा उ करना है तो इसके पीछे दो बिंदियां डाल देते हैं, बड़ा उ बन जाता है। ऐसे कहीं कहीं जो है वो पुरानी ध्वनियां और नई ध्वनियां में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा सा विभेद है, उसको थोड़ा सा ध्यान लगा के और सीख लेना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पुरानी ध्वनि और नई ध्वनि का जो चिन्ह है उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, और ये कहीं कहीं फर्क है, ज़्यादातर जो है वो ध्वनियाँ वही है जो हमने आगे चार्ट में सीखी थी, और विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जो है वो हमने सीखी है। इस प्रकार जो है ये हमारा जो है वो ये ध्वनियों से संबंधित जो है वो हमारा पाठ है, ये चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से बार बार पढ़िए, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, तो आप जो है वो नीचे इसमें ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक की सहायता से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके और इससे के संबंधित आप जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। आगे जब भी संभव होगा हम एक लाइव क्लास भी रखेंगे, और उस लाइव क्लास में भी आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत ही सरलतम ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने ये टॉपिक पूरा किया है, साउंड और सिंबल्स। नेक्स्ट क्लास में हम वापस मिलेंगे।